हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज एक नई ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ हिंदी का, जो शब्द भेद से ही है आपका उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, या नए होंगे तो इसका नाम भी अभी नहीं सुने होंगे। ये क्लास थर्ड से ही आपको पढ़ाया जाने वाला शब्द है। उपसर्ग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और आल पर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसी भी प्रकार की आपको अगर समस्या होती है कोई भी पॉइंट समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको इस पॉइंट में समस्या होती है, ताकि पुनः उस पॉइंट को समझाया जा सके आपको। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग को हम लोग पढ़ेंगे। तो उपसर्ग होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम जड़ नहीं जानेंगे तब तक हम उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो जड़ में सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग का दो शब्द से बना है, जो उपसर्ग हुआ का दो शब्द से मिलकर बना है। एक उप होता है और दूसरा होता है सर्ग। पहला होता उप, दूसरा सर्ग। तो उप का अर्थ होता है समीप या निकट, उप का जो अर्थ होता है समीप या निकट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। सृष्टि करने का ही अर्थ होता है निर्माण करना। तो यहाँ उपसर्ग से मिल करके, यानी उप और सर्ग से मिल करके एक नया शब्द बना उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है किसी चीज की सृष्टि, यानी शब्द की सृष्टि करना। तो यहाँ समीप और सृष्टि करना, तो इसका जो अर्थ बनेगा किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, यानी किसी शब्द के नजदीक आकर के और आगे जुड़ करके उसका एक नया अर्थ बना देना, उसके अर्थ में परिवर्तित कर देना, यानी जो मूल रूप में है उसके अर्थ में बदल देना। तो यहाँ देखेंगे, दिया है परिभाषा जो बना हुआ है, या परिभाषा लिखा गया है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग की पहचान भी आप समझ लिए, उपसर्ग के भेद भी, सॉरी, उपसर्ग के जो डिफिनेशन है उसको भी आप समझ लिए, उपसर्ग का जो जड़ है इस कैसे उत्पन्न हुआ इसको भी आप समझ लिए, उसका अर्थ भी समझ लिए। तो अब हम लोग आएंगे उपसर्ग। जैसे मान लीजिए परा जुड़ गया किसी शब्द में, आगे आप लगा दिए परा, तो क्या बन गया? पराजय बन गया, पराक्रम बन गया, पराधीन बन गया। तो जब शब्द के पहले लगेगा तो उसका अर्थ क्या होगा? बदल जाएगा। इसके पहले मान लीजिए जय था, जो पराजय लिखा हुआ है, तो पराजय का जो विच्छेद कर देंगे तो परा अलग हो जाएगा और धन जय अलग हो जाएगा। तो जय का अलग अर्थ होता है और पराजय का अर्थ जब जोड़ देंगे तो पराजय का अर्थ अलग हो जाएगा। तो वो आगे जो शब्द आगे आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वो उपसर्ग होता है। अब यहां देखेंगे अति, अति आपका लग गया इसमें तो अत्यंत हो गया। चीर, तो आपका आयु में चीर जुड़ गया तो चिरायु हो गया। ज्ञान में आपके वी जुड़ गया तो विज्ञान हो गया। वी में आपके देखिए वी, यानी ज्ञान में आपके क्या जुड़ गया? ज्ञान में आपके वी जुड़ गया, विज्ञान हो गया। गमन के, गमन में आपका जो जुड़ गया आ, तो आपका क्या हो गया? आगमन हो गया। उसके बाद व्यवस्था में आपके जुड़ गया, व्यवस्था में आपके जुड़ गया क्या? अ, तो अव्यवस्था हो गया। उप जो है आपका कार में जुड़ गया उप, तो आपका उपकार हो गया। उसी प्रकार सदाचार में, यानी आचार में सत जुड़ गया, सदाचार हो गया। ख्यात में आपका प्र जुड़ गया, प्रख्यात हो गया। उसी प्रकार अभिमे मान जुड़ गया, मान जुड़ गया तो अभिमान हो जाएगा, अभिमान अभिमान हो जाएगा। या यान जुड़ गया तो अभियान हो गया। सठ में उन जुड़ गया तो उनसठ हो गया। दू में देखेंगे, जन में दुर्जन हो गया, दू जुड़ गया तो सुजन में सु जुड़ गया, सुजन हो गया। और मार में भर जुड़ गया तो भरमार हो गया। तो आप देखेंगे ये शब्द आगे जुड़ जा रहे हैं, ये जितने शब्द हैं वो आगे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं।
यहाँ भी जो दिया हुआ है ये आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे रहे हैं। तो उपसर्ग वही होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, विशेषता ला दे, वही आपका उपसर्ग है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम और आगे पढ़ेंगे इसके कितने भेद होते हैं, कौन संस्कृत के होते हैं, कौन उर्दू के होते हैं, कौन हिंदी के होते हैं, कौन अंग्रेजी के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे उपसर्गों की संख्या। अभी उपसर्ग के बारे में हम लोग पूरा जान लिए हैं, अब उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कितनी होती है, उर्दू में कितनी होती है, संस्कृत में कितनी होती है, ये हम लोग जानेंगे। तो उपसर्गों की जो संख्या आपका दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है संस्कृत के उपसर्ग, जो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं वो टोटल होते हैं 22। संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो टोटल वो 22 होते हैं। उन्हीं 22 को हम यहाँ लिखे हुए हैं और एक एक का अर्थ हम आपको बताएंगे, 22 को लिखेंगे और 22 का अर्थ बताएंगे। तो यह ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि हिंदी उपसर्ग या संस्कृत संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। चार ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में अगर 22 आपका दिया है तो आप उस पर टिक लगा देंगे, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ शब्द है यानी जो संस्कृत के उपसर्ग है यहाँ है और उसका अर्थ यहाँ है। तो अति मतलब होता है बाहुल्य, अधि मतलब होता है ऊपर, अनु मतलब होता है पीछे, अप मतलब होता है दूर, अभि मतलब होता है ओर, अ मतलब होता है दूर, आ मतलब होता है तक, उद या उद जिसमें हलंत लगा है मतलब होता ऊपर या उन्नति, उप मतलब होता निकट, दुह या दूर मतलब होता बुरा या कठिन, दुस 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 यानी बड़ा स, छोटा स और पेटफरुआ स का है यानी बुरा या कठिन होता है, नी मतलब होता है नीचे। अब देखेंगे 13 नंबर में जो दिया है आपका निह और निस, निह और निस का होता बिना या बाहर, निर मतलब होता बिना या बाहर यानी दोनों का अर्थ समान होगा, परा मतलब होता है पीछे, परि मतलब होता है चारों ओर, प्र मतलब होता है आगे, प्रति मतलब होता है ओर या उल्टा, वि मतलब होता है बिना या अलग, सम मतलब होता है पूर्ण या संयोग, अन मतलब होता है नहीं या बुरा, और सु मतलब होता है अच्छा। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया संस्कृत के उपसर्ग, तो संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं 22 और 22 का हमने अर्थ बताया और 22 कौन कौन है उनको आपको बता दिया। तो अगर इससे संबंधित यानी टोटल इतने ही होते हैं, इतने से मिल करके ही सारे शब्द में जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तन करना है, तो ये 22 होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग के बारे में। तो हिंदी के उपसर्ग होते हैं केवल 10, हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो केवल 10 होते हैं। जैसे अ और अन, अ और अन का अर्थ होता है रोकना, अध और अध का अर्थ होता आधे, उन का अर्थ होता एक कम, औ या अव का अर्थ होता है मना करना, दू का अर्थ होता है हीन या बुरा, नी का अर्थ होता है अभाव, बिन का अर्थ होता है निषेध, भर का अर्थ होता है ठीक, कु या को का अर्थ होता है बुरा, सु या स का अर्थ होता है श्रेष्ठ के साथ। तो आप देखेंगे आपके हिंदी के जो उपसर्ग हैं 10 ही होते हैं और इन्हीं 10 से आपको पूरा उपसर्ग बनाना होता है। यही 10 जो आगे जुड़ते हैं तो नए शब्द बनते हैं, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। यही 10 जब आगे जुड़ते हैं शब्द में तो नया शब्द बनता है, और ये आपके संस्कृत के उपसर्ग है, यही जो 22 जुड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा, 22 संस्कृत के और 10 हिंदी। तो स्टूडेंट अभी तक आपने संस्कृत और हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं मूल रूप से उनके बारे में आप लोग पढ़े हैं। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट, हम लोग पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया है उर्दू के उपसर्ग होते 19, जो संस्कृत के उपसर्ग थे, संस्कृत के जो थे एक बार और रिवाइज करते हैं, संस्कृत के आपके 22 थे, हिंदी के जो थे वो आपके 10 थे, और ये आपके उर्दू के जो है यह आपके हैं 19। तो संस्कृत के 22 हैं और हिंदी के 10 हैं, उर्दू के 19 हैं। जो उर्दू का उपसर्ग होता है वही आपका अरबी और फारसी में भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे उर्दू के जो होते हैं वो 19 होते हैं, कौन कौन होते हैं और क्या अर्थ होता है। तो अल, अल अरबी का होता है, ये निश्चित का बोध कराते हैं यानी इसका अर्थ जो होता है निश्चित होता है। एन मिस होता है ठीक, कम मिस होता है थोड़ा, खुश मिस होता है अच्छा, गैर मतलब होता है भिन्न, दर मतलब होता है में, नाम मतलब होता है अभाव, फिल मतलब होता है में या फी, अरबी में इसका उपयोग होता है। ब का मतलब होता है अनुसार, और बद का मतलब होता है बुरा या अशुभ,
ये आपके उर्दू से इसमें आपके होते हैं क्या, ये अर्थ होते हैं। आगे दिया है बर, बर मतलब होता है ऊपर या पर, यानी यह आपका उर्दू का है और इसका अर्थ है हिंदी में। बा का अर्थ होता है साथ, बा का जो अर्थ होता है वो साथ होता है। बिल का अर्थ होता है साथ या से या में, ये आपका उर्दू से हिंदी में है। बिला अरबी है उपसर्ग, ये आपका बिना होता है इसका अर्थ। बे मतलब होता है बिना, ला ये अरबी का उपसर्ग है जो आपका बिना और निषेध इसका अर्थ होता है। सर मतलब होता है मुख्य या श्रेष्ठ। हम मतलब होता है साथ या समान। हर मतलब होता है प्रत्येक, हर मतलब होता है प्रत्येक। तो उर्दू आप देखेंगे उर्दू के जितने उपसर्ग थे 19 उपसर्ग हैं और इसका हिंदी अर्थ भी आपको पूरा बता दिए हैं, यानी किसका क्या अर्थ है सभी का अर्थ आपको हिंदी में बता दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको उपसर्ग पूरा समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी मैं ये वीडियो बनाया हूं ताकि केवल आप केवल उपसर्ग पढ़ें, उसके बाद फिर तब प्रत्यय का अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें केवल प्रत्यय के बारे में बताएंगे। और जब उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय से ही आपको प्रैक्टिस सेट देंगे सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको पूरा उपसर्ग समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका समाधान जरूर कर लें। तो स्टूडेंट, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई वीडियो मिस ना हो। तो आपको हमने ये बताया और एक नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। जितने भी वैकेंसी आएंगी, जितने भी गवर्नमेंटल वैकेंसी आएंगी या नॉन गवर्नमेंटल आएंगी, सबकी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये आपको उपसर्ग पूरा पढ़ा दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं आपसे प्रत्यय के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।